बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अक़दस है, खलकल्लाहुल आदमा आला सूरती। अल्लाह जल्ला शानहु ने आदम अलैहिस्सलाम को अपनी हैयत पर पैदा फरमाया। खलकल्लाहु आदम आला सूरती तूलुहु सित्तून ज़िरान। आदम अलैहिस्सलाम का जो कद मुबारक था वो 60 हाथ था, 60 गज़। तो अल्लाह जल्ला शानहु ने एज़ाज़ देने के लिए, वैसे अल्लाह की ज़ात बरहक ज़ात वहदहु ला शरीक, उसका कोई शरीक नहीं है, लैसा कमिस्लिही शै, उसकी मिसाल जैसी भी कोई मिसाल नहीं है, लेकिन करीब तरीन इंसान की जो शक्ल व सूरत है वो अल्लाह जल्ला शानहु ने एज़ाज़न आदम अलैहिस्सलाम को उस हैयत पर, उस हैयत के करीब पैदा फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम का जो कद मुबारक था वो 60 गज़ था। तो अगर 3 फुट के हिसाब से भी लिया जाए एक हाथ को, तो ये तकरीबन कोई 180 फुट बनता है। 60 गज़ जो है, 60 हाथ, 180 फुट, इतनी लंबी चौड़ी आदम अलैहिस्सलाम की जिसामत थी। तो ये मुल्हिदीन कोई मौका ज़ाया नहीं करते, जाने नहीं देते। ये लोग ऐसे हैं कि हर वक्त ये इंतज़ार में बैठे होते हैं, जब भी कोई बात हो उसमें से बात शैतान की तरह उचक लेते हैं, जिस तरह जिन्नात और शयातीन बातें उचका करते थे, उचक लेते हैं ये लोग। और ये क्या करते हैं कि हमेशा अच्छी बात में भी एतराज़ की कोई बात, कोई मौका जो है ना वो जाने ना दिया जाए, ये इनकी कोशिश होती है। तो यहाँ पे भी इन्होंने एक एतराज़ जो है वो दाव दिया बगैर सोचे समझे। इसी ना एक कब्र बनी हुई है, पता नहीं कहाँ पे, वो फोटो फेसबुक पे शेयर होती रहती है अक्सर, तो वो लोग कहते हैं कि ये हजरत आदम की कब्र है। तो लेकिन वो इतना पागल था जिसने वो बनाया, फोटोशॉप किया, या पता नहीं किस तरह की जगह है अभी कि नहीं। वो एक ये जो बातें हैं इन मुल्हिदीन की, वो अपने खिलाफ जा रही हैं, इनकी अपनी तहकीका जो अपनी तहकीकात है, अपनी जो रिसर्च है, इनके खिलाफ जा रही हैं। अब ये कहते हैं कि तकरीबन हजरत आदम अलैहिस्सलाम आम जो हाइट अगर लें तो 6 फुट की भी लें तो 6 से जो 180 फुट है तकरीबन 30 गुना ज़्यादा बनता है। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जो कद मुबारक था, जिस्म मुबारक था, जुस्सा था, वजूद था, वो तकरीबन 30 गुना बड़ा था, 30 गुना ज़्यादा था। तो वो ये कहते हैं कि उनकी फिर खुराक भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ तो जानवर, ये जो जानवर हैं ये तो छोटे छोटे हैं, तो वो कैसे अपनी खुराक पूरी करते थे? जो पौधे हैं या दरख्त हैं जितने भी हैं वो भी छोटे छोटी हाइट के हैं, तो वो खाते क्या थे? क्या इतनी गिज़ा या बड़े बड़े इंसान जितने भी थे, जो कौम आद है, आद अल उला, पुरानी जो कौम आद पहले वाली जो आद उला जो हैं, उनके कद भी अल्लाह ताला ने इतने बड़े बड़े बनाए थे कि अल्लाह जल्ला शानहु कुरान पाक में इरशाद फरमाया लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद, ऐसी कौम कभी पैदा ही नहीं की गई। इतने बड़े बड़े जुस्से और जसामत वाले लोग थे, इतने मजबूत और ताकतवर लोग थे कि खजूर का जो दरख्त है उसको भी अपने हाथों से उखाड़ लेते थे और बड़े बड़े जानवरों को अपने हाथों से मार लिया करते थे। ये जो बड़े बड़े जुस्से वाले थे ये अपनी खुराक कैसे पूरी करते थे, या उनकी इतनी बड़ी हाइट? और ये कहते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है उसका लेवल कितना है, और इतनी हाइट पर हो तो फिर वो सांस कैसे लेते थे, या अपनी खुराक ही। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जो उनके ज़माने में तूफ़ान आए उसके बारे में ये लोग यही कहते हैं कि वो कश्ती कितनी बड़ी थी, अगर वो कितना अरसा पानी के अंदर रही तो उनका जो खुराक जो ज़खीरा था वो कितना था, कितना उन्होंने खुराक को स्टोर किया था हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने, और अगर वो गंदगी करते थे फिर वो गंदगी कहाँ पर रखते थे, ये इस तरह की बातें। हालांकि जो कश्ती नूह अलैहिस्सलाम ने बनाई थी उस दौर के अंदर, तो वो कश्ती भी बहुत बड़ी बनाई थी और हर चीज़ का उसके अंदर इंतज़ाम रखा था। अल्लाह जल्ला शानहू ने खुद जो है तो नूह अलैहिस्सलाम को सिखलाया था कि वो कश्ती बनानी कैसे है। जिस वाहदहु ला शरीक ने पूरे ज़मीन और आसमान का निज़ाम बनाया, क्या वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से, अपने नबी से क्या कश्ती नहीं ऐसी बनवा सकता जिसमें सारा इंतज़ाम हो? तो इसी तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अगर इतना बड़ा अल्लाह ताला ने कद अता फरमाया, क्या उनकी खुराक का इंतज़ाम अल्लाह ने ना किया हो? अब ये लोग कहते हैं कि जो डायनासोर थे, वो बड़े बड़े जानवर, वो यहाँ पे 50 करोड़ साल पहले घूम फिर रहे थे, तो वो इतने बड़े बड़े जानवर जो थे वो क्या खाते थे फिर?
ये इनकी अपनी रिसर्च इस तरह अपनी साइंस ही गलत होती है। अगर आदम अलैहिस्सलाम का वजूद और कद वो मुनासिब नहीं बनता है इस ज़मीन व आसमान के, जो ज़मीन के निज़ाम के एतबार से, खुराक के एतबार से। अब अगर हम दरख्तों को देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब आदम अलैहिस्सलाम की हाइट पहले बहुत ज़्यादा थी, फलम यज़ल खल्क, जो अब मखलूक जितने भी अब इंसान आ रहे हैं, यनकुसु बादु हत्तल आन, अब इनका कद, अब इनकी हाइट जो है वो छोटी हो रही है दिन ब दिन, उम्रें भी कम हो गई, हाइट भी छोटी हो गई। तो क्या ये असर सिर्फ इंसानों पे पड़ा है या तमाम जानदारों पे पड़ा है? आबो हवा या ज़माने का वक़्त का असर सिर्फ इंसान पर नहीं होता है, ये तमाम जानदारों पे होता है, हत्ता कि पानी के अंदर जो मखलूक रहती है उसके ऊपर भी असर होता है, और जो दरख्त है इनके ऊपर भी असर होता है। अब हम दरख्त जितने भी देखते हैं वो इतने बड़े बड़े नहीं, हालांकि मुझे और आपको भी पता ही है, तो हमारे मुशाहदे की बात है, आज से 30 साल पहले या 40 साल पहले बहुत बड़े बड़े दरख्त हुआ करते थे, बोर के दरख्त हुआ करते थे, जिनकी छांव कितनी ज्यादा घनी होती थी और उनका फैलाव, उनका साया कितना दूर दूर तक होता था, उसके नीचे चारपाइयां बिछा कर लोग जो हमारे बड़े थे पंचायतें लगाया करते थे, सारा दिन वहीं पे बच्चे खेला करते थे। लेकिन अब उस तरह के दरख्त बाकी नहीं रहे हैं और जमीन के ऊपर इतने बड़े बड़े दरख्त मौजूद हैं आज भी। एक इस्तलाह है कि कोई भी चीज वक्त के गुजरने के साथ साथ जो लकड़ी है या कोई भी चीज है वो पत्थर की शक्ल इख्तियार कर जाती है, इसको अरबी जुबान के अंदर कहते हैं कि ये कद असबहा फी शक्ल हजरी, ये पत्थर बन चुका है, ये चीज जो है वक्त के गुजरने के साथ साथ लावे के एतबार से हो या किसी भी एतबार से हो, वक्त के गुजरने से वो चीज इतनी सॉलिड, इतनी सख्त हो जाती है कि वो पत्थर बन जाती है। जो कई पहाड़ हैं, जैसे एक पहाड़ है जिसको कहते हैं कि ये शैतानी पहाड़ है, देवल माउंटेन कहते हैं इसको, ऐसा बुर्ज, ऐसा पहाड़ जो शैतानी बुर्ज है, आप इसकी तस्वीर भी मुलाहजा कर सकते हैं। तो ये जो पहाड़ हैं, ये कहते हैं कि इसके अंदर वैसे ही आप कह लें कि जो नक्शा होता है, अंदाज होता है, जिस तरह तरतीब होती है लकड़ी की, कोयले की, अगर आप देखते हैं जिस तरह की साख्त होती है, जिस तरह बीच में निशान होते हैं, वैसे ही इन पत्थरों पे भी निशान है। तो ये खुद साइंसदान मानते हैं कि ये पहले किसी ज़माने में दरख्त थे, और वो दरख्त कितने बड़े बड़े हैं कि इंसान अगर बाजू फैलाकर कितने सारे इकट्ठे हो जाएं, फिर भी उसका जो तना है वो उनके हाथों में नहीं आता है। 15-15, 20-20, 40-40 लोग जो हैं वो भी अगर घेरा डालें तो वो तना उनके हाथ के अंदर नहीं आता है। तो ये जो दरख्त थे, अब ये साइंसदान ही कहते हैं कि इन दरख्तों की लंबाई तकरीबन 6 किलोमीटर भी थे, ऊंचे ऊंचे दरख्त, इतनी ज्यादा लंबाई हुआ करती थी पहले जमानों के अंदर, जो आज पहाड़ों की शक्ल में या पत्थर की शक्ल में बदल चुके हैं वो दरख्त। और जो कटे हुए दरख्त हैं वो भी ये बतलाते हैं कि ये कितने बड़े बड़े दरख्त हुआ करते थे, और आज भी, ये नहीं कि पहले जमाने के अंदर बड़े लंबे कद के जो है कद्दावर दरख्त हुआ करते थे, आज भी कई बाकियात उनकी बची हैं जो बतलाती हैं कि हाँ वाकईतन पहले ज़माने के अंदर जो हाइट है दरख्तों की वो बहुत ज़्यादा रहा करती थी। और इसी तरह जो मखलूकात थी, जानदार जितने भी जानवर हैं वो भी बड़े बड़े कद्दावर थे। तो इंसान अगर लंबे चौड़े कद के थे, उनके पेट अगर बड़े थे, खुराक ज़्यादा थी, तो जानदार और ज़मीन की पैदावार जो है वो भी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात रज़ाक है, वो हर चीज़ को रिज़क देने पर कादिर है, वो चाहे तो 3 पत्थरों के अंदर कीड़े को रिज़क अता कर सकता है। तो अल्लाह ताला ने ये सारा निज़ाम ऐसा बनाया है कि हर वक्त के अंदाज, हर वक्त के एतबार से वो आप कह लें कि अल्लाह ताला का रिज़क कम नहीं होता है, वो पूरा का पूरा रहता है। अल्लाह जल्ला शानू ने हर एक के लिए उसका रिज़क बनाया, जिस तरह कोई गोश्त खोर है उसको ताज़ा गोश्त रोज़ाना मिलता है, और जो सब्ज़ी खोर है उसको सब्ज़ी भी ताज़ा मिलती है। तो हर एक का जो नसीब अल्लाह ताला ने पहले से मुकर्रर फरमा दिया, वो अल्लाह ताला ने उसको देना ही देना है। मौत से पहले वो अपना सारा रिज़क इस्तेमाल करता है, फिर ही मौत आती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि ऐसी बातों से हमें बचाए कि जो हम हमेशा मोतरिज बन के अंधों की तरह इतराज़ कर देते हैं कि ये क्या बात है, ये कैसे बात है, हालांकि थोड़ी सी अगर ये रिसर्च कर ले तो ये बातें खुद इनको समझ में आ जाएंगी। वाह खुदा अलहमदिल्ला रब्बिल आलमीन।